प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य बिजू शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। आज मित्रों 4 अक्टूबर 2020 है और आज ही 10:06 पर मंगल देव ने मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में अपनी वक्र गति चाल को प्रारंभ किया है। इससे संबंधित 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव की ये वक्र गति चाल बहुत ही अद्भुत लाभ देने वाली है। उसमें आपके बहुत से कमेंट आए कि बाकी बची राशियों के लिए मंगल देव की ये वक्र गति चाल कैसा फल देगी, इससे संबंधित जानकारी दीजिए। वही जानकारी लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज 4 अक्टूबर 2020 को प्रातः 10:06 पर मंगल देव ने मीन राशि में वक्र गति चाल के साथ प्रवेश किया है, जहां 14 नवंबर 2020 तक सुबह 6:04 तक मंगल देव वक्र ही रहने वाले हैं। ऐसे में 5 राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा लाभ देंगे, किंतु बाकी बची 7 राशि वाले जातकों को किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि मंगल देव की वक्र गति चाल का बुरा प्रभाव आपको देखने को ना मिले। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं मंगल देव नवग्रहों में ऊर्जा के कारक हैं, इन्हें नवग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त बना हुआ है। अगर ये किसी के लिए बुरा करने की स्थिति में आते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी शीघ्रता के साथ किसी ना किसी प्रकार की स्थिति आपको देखने को अवश्य मिल जाती है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फलादेश मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको नहीं पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे आप अपने बोलते नाम से भी सुन सकते हैं। साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं, आपके बहुत से कमेंट आते हैं कि कभी आप कोई राशि को बहुत अच्छा बता देते हैं, फिर कोई राशि को कभी खराब बता देते हैं, उसका कारण क्या होता है? तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गोचरी अवस्थाओं में ग्रहों के प्रेडिक्शन होते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई ग्रह आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहा होता है, कोई ग्रह किसी ना किसी कारणवश हानि की जैसी स्थितियां बना देता है। तो जब भी यदि आप रेगुलर हर एक वीडियो को देख रहे हैं, गोचरी अवस्थाओं में हर एक ग्रह के राशि परिवर्तन को समझ रहे हैं, तो इसका एक सार समझने का प्रयोजन कीजिए। कौन से ग्रह अच्छा लाभ दे रहे हैं, कौन से ग्रह खराब लाभ दे रहे हैं, और इनका मिक्सअप बनकर ही आपके जीवन के अंदर क्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, यदि जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं 7 राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी, उस अवस्था में जिस ग्रह के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो मंगल ग्रह के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। यदि मंगल ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है, मंगल ग्रह आपकी कुंडली में कारक ग्रह बने हुए हैं, तो पाराशर ऋषि का मत है कि किसी भी अवस्था में यदि लग्न कुंडली में वो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है, 6-8-12 में नहीं है, नीच का नहीं हो रहा है, आपकी कुंडली का मारक ग्रह नहीं है, डिग्री वाइज बली है, तो फिर गोचरी अवस्था के अंदर ये कारक ग्रह बुरा फल अगर बुरे स्थान के ऊपर भी जा रहे हो तो भी बुरा फल नहीं दे पाते। ये स्थिति मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूं जो कि अन्य लोग आपको नहीं बताते हैं और इसी कारण आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो के अंदर आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी समझाया था 6, 8, 12 को कैसे चेक किया जाता है, नीच ग्रहों को कैसे चेक किया जाता है, डिग्रियां कैसे चेक की जाती है, इससे संबंधित जानकारी मैंने आपको समझाई थी। आशा करता हूं उस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपसे निवेदन यही करूंगा, मैं हर बार कुछ नई तरीके से आपको वो सहज और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं जिसे यदि आप रेगुलरिटी के अंदर देखते हैं तो बड़े अच्छे से गोचरी अवस्थाओं में जो ग्रह बदलते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह सर्वप्रथम राशि जिस राशि वाले जातकों को आज से ही 14 नवंबर तक सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। तो मित्रों वह सर्वप्रथम राशि मंगल देव की ही राशि होगी, मेष राशि। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव के अंदर मंगल देव वक्र गति की चाल के साथ गए हैं। अब ऐसे में यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल देव का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, किंतु मंगल देव पहले ही आपकी कुंडली के अंदर 6-8-12 में बैठे हैं, नीचस्थ हो रहे हैं, तो यहां आपको अपनी वाणी के ऊपर विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। आपकी वाणी के चलते ही आप अपने बनते बनते कार्य बिगाड़ सकते हैं। फिजूल की खर्चियों से आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।
साथ ही अपने खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आज से ही 14 नवंबर तक विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आवश्यक ना हो, अति आवश्यकता ना हो तो किसी से कर्ज इत्यादि की व्यवस्था ना बनाएं। अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल बनाकर रखें। कोई भी बड़ा प्रयोजन करने से पहले, कोई बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 14 नवंबर तक मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, यहां तक आपको कोई बड़ा निवेश यदि बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो तो नहीं करना चाहिए। लास्ट में वीडियो में जाकर बताऊंगा क्या क्या उपाय करने से आपको बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, किंतु हम बात करते हैं अभी दूसरी राशि की। दूसरी राशि जिस राशि के लिए मंगल देव की वक्र गति चाल अच्छा लाभ नहीं देती हुई पाई जाएगी, वह राशि होगी मित्रों वृष राशि। वृष राशि वाले जातकों के एकादश भाव के अंदर मंगल देव वक्री हुए हैं, ये आपकी डिजायर्स, आपकी मनोकामना पूरी होते हुए में व्यवधान डालेंगे। आय के स्त्रोत्रों में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। धन से संबंधित कोई कार्य आपका रुक सकता है। कुटुंब परिवार में अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें, अन्यथा कुटुंब परिवार के अंदर ही किसी प्रकार का मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। वाणी के ऊपर आपको भी संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आप देख सकते हैं स्टमक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लव अफेयर रोमांस के अंदर भी बिना फिजूली का कोई झगड़ा इत्यादि ना करें, अन्यथा मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। स्वास्थ्य रूपी योग में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की अति आवश्यकता रहेगी। तीसरी राशि जिस राशि के लिए मंगल देव की वक्र गति चाल अच्छी साबित नहीं होगी, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के कर्म भाव के अंदर मंगल देव वक्री होकर आए हैं, जो कि आपकी कुंडली के अकारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में आपको यही सलाह देना चाहूंगा, अपने कार्य को लेकर एकाग्रचित्त सजग रहें, कार्य में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपके कार्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां बन सकती है। आपके व्यक्तित्व में क्रोध जैसी स्थितियों पर संयम रखें। वाणी पर आपको संयम रखना होगा। कोई भी भूमि भवन वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़े समय आपको रुकना चाहिए। साथ ही आप देखेंगे आपके द्वारा यदि इस समय के अंदर कोई कार्य किए जाते हैं तो उनके अंदर रुकावटें और परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताएं भी समय में आपको देखने को मिल सकती है। लव अफेयर रोमांस के अंदर आपको भी सावधान रहना चाहिए। चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ बहुत ही सरल और सहज उपाय बताऊंगा, जिनका यदि आप पालन करते हैं तो बड़े अच्छे और अद्भुत लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। चौथी राशि जिस राशि के लिए मंगल देव की ये वक्र गति चाल अच्छी नहीं मानी जाएगी, वह राशि होगी मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव के अंदर मंगल देव वक्री हुए हैं, ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों के साथ आप देखेंगे कार्यों में ऑब्स्टेकल रुकावटें आएगी और इसी कारण आपको मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। आपकी कार्यों के अंदर रुकावटों के साथ साथ ही डिजायर्स, मनोकामना कोई बनी हुई होगी उसमें भी मंगल देव व्यवधान करते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार के अंदर आपको मतभेद देखने को मिल सकता है। धन से संबंधित कोई कार्य रुकते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ में आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी उसमें भी उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां बनकर आएगी। मेहनत के अनुसार परिणाम परिपूर्णता से आपको कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा उपाय लेकर आया हूं, यदि आप उनका पालन करते हैं बहुत ही अच्छे सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। पांचवी राशि जिस राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव की ये वक्र गति चाल अच्छी नहीं मानी जाएगी, वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव के अंदर मंगल देव वक्र गति चाल के साथ आए हैं, ऐसे में आपके लिए दैनिक रोजगार के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट बनाते हुए पाए जाएंगे। पार्टनरशिप यदि आप करना चाह रहे हैं बिल्कुल भी 14 नवंबर तक आपको किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, कोई मतभेद हो सकता है, इसमें विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। अपने स्पाउस के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा, अन्यथा किसी भी छोटी मोटी बात को बड़े स्वरूप के अंदर आप होता हुआ देख सकते हैं। कर्म क्षेत्र में भी बिल्कुल सावधानी से इस समय में आपको कार्य करने चाहिए, अन्यथा कर्म से संबंधित भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके व्यक्तित्व के अंदर ऊर्जा तो देखने को मिलेगी, किंतु ऊर्जा के साथ साथ ही आपके अंदर क्रोध की प्रवृत्ति भी अधिक देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अपनी क्रोध और अपनी वाणी के ऊपर आपको संयम बनाकर रखना आवश्यक रहेगा। कुटुंब परिवार में मतभेद जैसी स्थितियां ना बनाकर रखें। माता के स्वास्थ्य का ख्याल और दाम्पत्य जीवन में अगर पुरुष है तो महिला, महिला है तो पुरुष, अपने दाम्पत्य का स्वास्थ्य रूपी ख्याल भी रखना आपके लिए आवश्यक होगा। छठवीं राशि जिस राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव की वक्र गति चाल अच्छी नहीं मानी जाएगी,
वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के षष्ठम भाव के अंदर मंगल देव संचरण करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको रोग से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। अपना स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अपनी जॉब के अंदर आपके बॉस आपके कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा सकते हैं। जॉब के अंदर एप्रिसिएशन में कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपको यही सलाह देना चाहूंगा, अपने कर्म क्षेत्र में कोई भी ऐसे कार्य ना करें जहां आपके बॉस या आपके कलीग आपको परेशान कर सकते हैं। कर्ज की स्थिति बनी हुई है तो उसके अंदर स्थिरता बनाए रखें, किंतु नया कर्ज 14 नवंबर तक आपको नहीं लेना चाहिए। साथ ही कोई ऐसे उलझने वाली स्थितियां नहीं बनानी चाहिए जिसमें कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। भाग्य के साथ में भी आपको कहीं ना कहीं 14 नवंबर तक कमी देखने को मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। फिजूल के खर्चों से बचें, स्वास्थ्य का विशेष रूप से खान पीन का ध्यान रखें, अन्यथा हॉस्पिटलाइज खर्चे से संबंधित भी स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित कोई योग आपको देखने को मिल सकता है। आपको इस समय में मानसिक तनाव ना देखने को मिले, इससे संबंधित वीडियो के अंत के अंदर छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिनका यदि आप पालन करते हैं तो बहुत अच्छे और अद्भुत लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। और अंतिम राशि जिस राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव की वक्र गति चाल आज से ही 14 नवंबर तक अच्छी नहीं मानी जाएगी, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव के अंदर मंगल देव जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे आपको मेहनत अधिक और रिजल्ट में कमी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाने का प्रयास कीजिएगा। अपने कर्म क्षेत्र में यदि आप जॉब करते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अपने कर्म क्षेत्र में प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से कोई अलगाववादी स्थिति ना बनकर आए, अन्यथा आपके बॉस आपके कलीग इनसे किसी प्रकार का मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य रूपे भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और साथ साथ में कर्ज इत्यादि की व्यवस्था ना बनाए। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा यदि आपका चल रहा है तो प्रयास करें 14 नवंबर तक इसको टालकर तारीख लेने का प्रयास करें। पिता के स्वास्थ्य को विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और साथ साथ में अपने कर्म क्षेत्र में एकाग्र चित्त होकर कर्म करें। यदि आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कोई व्यवसाय के अंदर परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए 14 नवंबर तक आपको अवश्य रुकना चाहिए। 14 नवंबर के पश्चात यदि आप कोई भी प्रकार का जॉब चेंज करते हैं, निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों ये है वह 7 राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव की वक्र गति चाल अच्छी साबित नहीं होगी। अब मित्रों यहां प्रश्न बनता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मंगल देव की वक्र गति चाल का बुरा प्रभाव हमको देखने को ना मिले। तो ऐसे में सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों को पता है मंगल देव के प्रतिनिधित्व जो देव हैं वो है हनुमान जी महाराज। ऐसे में यदि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ओम भोमाय नमः ओम अंगारकाय नमः का जाप करते हैं, मंगलवार के दिन खुद रेड और ऑरेंज चीजों का सेवन नहीं करते हैं, खाने में पहनने में आसपास के वातावरण में, यदि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल और चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। किसी भी गरीब को कुछ खाने की वस्तु मंगलवार के दिन देते हैं, ये बहुत अच्छा है। बंदर यदि आपके आसपास में होते हैं इनको केले दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अन्यथा इनमें से यदि कुछ भी ना हो पाए, हनुमान चालीसा का एकाग्र चित्तता से पाठ करें। आसपास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो वहां हनुमान जी मंदिर में मंगलवार के दिन विशेष रूप से चमेली के तेल का यदि आप दीपक जलाते हैं और एक जनेऊ हनुमान जी महाराज को धारण कराकर आते हैं तो आपको जो बताए गए स्थितियां हैं इनमें शून्य मात्र का प्रभाव देखने को मिलता है और बहुत अच्छे लाभ के साथ आप रहेंगे। सचेत रहने की थोड़ी सी आवश्यकता रहेगी, वही मैं आपको बताने आया था, क्योंकि मेरा परम कर्तव्य बनता है कि जब मैं अच्छी और शुभ सूचनाएं आपको देता हूं तो सावधानी देना भी मेरा परम कर्तव्य बनता है, वही मैं आज आपको देने आया हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।